सो वेलकम बैक टू फ्री आर। और आज हम बात करने वाले हैं फ्री फायर के रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगी फ्री फायर की न्यूज सबसे पहले और सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज। और अभी हम 85 के सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा क्लोज है, मतलब अभी तो बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तो जो भी नए व्यूअर्स हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आज की हमारी पहली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है फोर अनोन के बारे में, स्काई लॉर्ड के बारे में, टोटल गेमिंग के बारे में। और मैं आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ कि क्या कुछ हुआ है और मतलब क्या कुछ अपडेट आया इसके बारे में। तो जैसे कि मैं आपको पिछली दो वीडियो से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फोर अननोन टीम के साथ क्या कुछ हुआ था, किस यूट्यूबर ने क्या रिएक्ट किया था उनके ऊपर। तो अभी मैं आपको रिएक्शन दिखाने वाला हूँ स्काई लॉर्ड का और टोटल गेमिंग का, कि टोटल गेमिंग क्या कहे उनके बारे में। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फोर अननोन अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए थे, जहां पर वो पूरा एक्सप्लेन किए थे कि उनके साथ क्या कुछ हुआ था। एंड ये वीडियो आने के बाद स्काई लॉर्ड अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी अपलोड किए, जहां पर वो ये कहे कि मैं कैसे जस्टिस दिला सकता हूँ फोर अननोन को, बट फिर भी मैं अपने लेवल पर इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा कल अपनी वीडियो में, वो भी बिना ग्रीन स्क्रीन के। हमारा ई-स्पोर्ट हम संभाल लेंगे, संभाल लो, और किसी को जस्टिस चाहिए क्या। इसके बाद फोर अननोन इसका रिप्लाई करते हुए अपने यूट्यूब कम्युनिटी में कुछ ये कहे, कल करते हैं स्काई लॉर्ड की वीडियो के सारे पॉइंट क्लियर, डोंट वरी। तो फोर अननोन आज वीडियो अपलोड करने वाले थे, लेकिन उन्होंने कल ही वीडियो अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर वो स्काई लॉर्ड की काफी चीजों का रिप्लाई किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रिप्लाई किए फोटोशूट को लेकर के, कि पहले भी उनको बुलाया गया था और पहले क्यों नहीं गए थे। एंड इसके अलावा वो और भी चीजों के बारे में बात किए। मैं आपको कुछ मेन मेन पॉइंट यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात जो क्लियर की है वो 14 तारीख से की है, एंड मेरी जो वीडियो पे उसने पॉइंट उठाए हैं वो उसी दिन के लिए हैं। तो स्काई लॉर्ड को एक बार मुझसे भी बात कर लेनी चाहिए थी कि 14 तारीख से क्या ये सब हुआ और क्यों तुमने इतनी बार फोटोशूट को डिनाई किया। उसके बाद स्काई लॉर्ड ने बोला कि 15-16 तारीख को मुझे कॉल आई कि नोएडा में होगा मेरा फोटोशूट, तो उसकी मुझे एक भी कॉल नहीं आई। भाई ये बिल्कुल गलत बोला, जिस भी एडमिन ने तुम्हें बोला बिल्कुल झूठ है भाई ये, उनसे एक बार प्रूफ ले लेना इसका कि मैंने कब बोला उनको ऐसा। ठीक है भाई ये क्लियर कर दे, अब बता दो भाई मेरी क्या गलती है इसमें। ठीक है, और हाँ चलो एक और गलती हमने मान ली, चलो भाई हमारी गलती है। ठीक है, हमसे ड्राई रन मिस हो गया क्योंकि हमारा इंटरनेट लैग कर गया भाई वो टाइम पे। मैंने आपको प्रूफ भी दिया, मैंने बोला एडमिन को कि इंटरनेट इशू कर रहा है, तो आपने तो उसको बोल दिया हम एक्सक्यूज दे रहे हैं। भाई इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है उसमें हम एक्सक्यूज देंगे यार, हम क्यों अपना इंटरनेट का बहाना करेंगे। सब बंदे इतना खुश होते हैं कि भाई अफाफाई से खेल रहे हैं, बंदे पहले जाके ज्वाइन कर लेते कस्टमर, वहां पे एक्सक्यूज देंगे यार, ऐसा लगता है तुझे। हम सोचते हैं कि हम अपने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करें और इस बार हम करने वाले थे 100%, तो हम क्या लगता है हम आप इंटरनेट का इशू देंगे। तो गाइस इंटरनेट लैग कर गया तो हमसे ड्राई रन मिस हो गया। एंड इसके बाद स्काई लॉर्ड अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में इसका रिप्लाई किए, मेरे पॉइंट रियली भाई, अटेंशन लेने के चक्कर में मुझे पहले जैसा मत बना देना। रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से 5 मेंबर के नाम दिए थे, वहां से स्टार्ट करूंगा अब, गुड न्यूज टुमारो। तो लगता है कि स्काई लॉर्ड इस मैटर के ऊपर एक और वीडियो अपलोड करेंगे अपने चैनल पर, तो अभी देखना ये होगा कि वो इस वीडियो में क्या कुछ बताने वाले हैं। और जब टोटल गेमिंग अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, यहाँ पर उनसे पूछा गया फोर अननोन के बारे में कि भाई आप क्या कहना चाहोगे इस मैटर के ऊपर, तो इसी के बारे में बात करते हुए टोटल गेमिंग कुछ ये कहे। अजू भाई देखो गाइज, मैं ना फोर अननोन के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ना अभी मैंने उसका वीडियो देखा, चीजें उसकी साइड से भी समझी, और ई-स्पोर्ट की जो टीम मतलब ई-स्पोर्ट के अंदर कोई एक बंदा है उससे मेरी बातचीत होती है, तो वो कुछ टीम वगैरह कर रहा था कि हमारी टीम वगैरह, तो मैंने उनसे भी बातचीत की। तो सिंपल सी बात है भाई, दोनों की बातचीत सुनने के बाद मुझे अभी के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम पे मुझे कुछ भी इन दोनों की साइड, इसकी साइड से भी नहीं बोलना चाहिए, उसकी साइड से भी नहीं बोलना चाहिए, मेरे को अभी एकदम चुप रहना चाहिए और थोड़ा और समझना चाहिए, एंड उसके बाद ही कुछ चीज़ें बोलनी चाहिए। तो अभी थोड़े समय तक मैं दूर रहूँगा, पहले चीज़ें समझूंगा एंड उसके बाद बोलूँगा, क्योंकि अगर दोनों की साइड मैंने सुनी ना तो एक दो फॉल्ट इसके भी लगते हैं, एक दो फॉल्ट उसके भी लगते हैं, दोनों सीन है, तो मेरे को सही तरीके से समझने दो एंड उसके बाद अपन कुछ बोल सकते हैं। ओके, बाकी मेरा एंड द एंड वही है, मैंने उन लोगों को जब बात हुई एंड द मैंने एक ही चीज़ पकड़ी रखी थी कि यार इन लोगों को प्लेइंग्स में खिला दो, ऐसा समझो कि ये जो अभी ग्रुप वाले ग्रुप स्टेजेस चल रहे हैं वो लोग हार चुके हैं, अभी जो प्लेइंग्स आते हैं उसके अंदर उसको खिला दो और वो लोग फाइनल में चले जाएंगे आराम से, ये चीज़ मैंने पकड़ के रखी है, बाकी अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये था अभी तक का कंप्लीट मैटर जो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, अभी तक जितना भी हुआ मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया हूँ, तो इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूंगा अपनी वीडियो में। तो यहाँ तक आपने सारी स्टोरी देख लिया होगा, तो आपको इसके बारे में क्या लगता है अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है रोमियो गेमर के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि रोमियो गेमर कहे थे कि वो फेस रिवील करेंगे अपना, तो कल रोमियो गेमर अपने इंस्टाग्राम पे अपना फेस रिवील कर दिए। जी हाँ, रियल में वो अपना फेस रिवील कर दिए, लेकिन बचपन की फोटो का। तो वो अपने इंस्टाग्राम पे अपने बचपन की एक फोटो अपलोड किए, साथ में एक वीडियो भी अपलोड किए थे जहाँ पर वो डांस कर रहे थे। तो ये उनका फेस रिवील था, लेकिन एक स्कैम के साथ, मतलब
सोचा था सबने कि वो अपनी रियल फोटो अपलोड करेंगे, मीन्स अभी की फोटो अपलोड करेंगे, लेकिन वो अपने बचपन की फोटो अपलोड कर दिए। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है देसी गेमर के बारे में। तो जब देसी गेमर अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो यहाँ पर उनसे पूछा गया कि भाई आप बूढ़े होके क्या करोगे, क्या आप ऐसी स्ट्रीम करते रहोगे? तो उसी पर रिप्लाई करते हुए देसी गेमर कुछ ये कहे, जब आप ओल्ड हो जाओगे तब भी गेमिंग करेंगे। नहीं भाई, मैं क्यों करूंगा भाई यार, मैं जब ओल्ड हो जाऊं तब तक इतना पैसा कमाना है कि ओल्ड उस टाइम पे टेंशन ना हो। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है टोटल गेमिंग के बारे में। तो जब टोटल गेमिंग अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, यहाँ पर टोटल गेमिंग बताया कि वो 1 मार्च से एक नया गेम ट्राई करने वाले अपने चैनल पर, जो कि बैटल रॉयल गेम होगा और ये भी मोबाइल का ही गेम है। आया मैं आया है भाई। लोग मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं कोई दूसरी बैटल ग्राउंड गेम खेलूंगा तो तुम देखोगे क्या? यस और नो? ओके यस और नो। ज्यादातर लोग मेरे को पता है यस ही बोलेंगे। क्या लगे वार्डन? नहीं नहीं नहीं, मतलब दूसरी है, मोबाइल के अंदर ही है। गाइस अगर तुम लोग हाँ बोलोगे तो हम लोग खेलते हैं। वैसे हाई बोलना यार, कोई ना मत बोलना, एकदम बढ़िया तरीके से खेलेंगे, मजा आएगा। तुम लोगों को सच्ची बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, मजा आएगा। यहाँ पर टोटल गेमिंग ये तो नहीं बताया कि वो किस गेम को प्ले करने वाले अपनी लाइव स्ट्रीम पर। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है लोकेश गेमर के बारे में। तो लोकेश गेमर अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए, जहाँ पर वो काफी चीजों के बारे में बात किए। तो यहाँ पर वो बात की अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि वो फ्री फायर खेलते टाइम कितने रुपए यहाँ पर लगा दिए, मतलब गिव अवे वगैरह में या फिर इन परचेज के बारे में। और इसके अलावा यहाँ पर लोकेश गेमर अपने अर्निंग के बारे में बताया कि वो कितना अर्न करते हैं यूट्यूब से। तो मैं आपको दोनों वीडियो क्लिप यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपने season 1 से अभी तक कितने रुपए उड़ा दिए हैं गरीना फ्री फायर में? भाई गरीना फ्री फायर में हमने season 1 से अभी तक सब्सक्राइबर अकाउंट, बैचेस, मेरा अकाउंट, फिर लाइव स्ट्रीम में गिव अवे, ये सब मिला के शायद 90-80 लाख या 1 करोड़ के ऊपर उड़ा दिए हैं। मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्ट कितना है, मैंने गिन के नहीं उड़ाया है। तो ये क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज योर इनकम? तो चलो बताते हैं। तो मेरी इनकम इतनी है कि ये जो रेडबुल कैन देख रहे हो आप, ये हर 1 मिनट में एक खरीद सकता हूँ। इतनी इनकम है मेरी, हर 1 मिनट ये कैन मैं खरीद सकता हूँ। तो बस यार, आज के लिए बस मेरे पास इतनी ही अपडेट थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।